तो सबसे पहले हम बॉडी ए को कंसीडर करते हैं। अगर हम फोकस करें बॉडी ए पर, तो बॉडी ए पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो टेंशन है जो स्ट्रिंग की वजह से, दूसरा वेट है। वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और W इज इक्वल टू एम जी। जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसको इसके ऊपर टोटली फोर्सेस कैलकुलेट करें तो कितनी फोर्सेस है, एक तो हमारे पास वेट है और दूसरा टेंशन। वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हम पॉजिटिव लेंगे और टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, वेट के अपोजिट है, तो हम इसको नेगेटिव है और टेंशन। वेट जैसे मैं बता चुका हूँ W इज इक्वल टू एम जी, इधर शॉर्ट भी है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। और हमें सेकेंड लॉ से ये बात भी मालूम होती है कि फोर्स जो है वो F जो है वो इक्वल टू है एम ए। तो मास और एक्सेलरेशन, हम फोर्स की जगह पर अगर मास और एक्सेलरेशन को शोर्ट करें इस तरह। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं फोर्सेस ऑफ बॉडी बी पर। बॉडी बी पर भी दो फोर्सेस ही एक्ट कर रहे हैं, एक तो वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो इधर उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है एम ऑफ टू इंटू जी, और टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हम इन दोनों की, अगर हम बॉडी बी पर फोर्सेस कितनी लग रही हैं हम उसको मेजर करते हैं, तो हम उसको लिखते हैं एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टेंशन माइनस एम टू इंटू जी। अब हमने बॉडी ए में एम टू पॉजिटिव और टेंशन नेगेटिव क्यों लिया, और इसमें हम टेंशन पॉजिटिव और एम टू नेगेटिव क्यों ले रहे हैं। असल में अगर आप फोकस करें तो बॉडी बी जो है वो अपवर्ड ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब है कि जो टेंशन है वो टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, एम से, मतलब उसका मास जो है वो कम है टी से। तो इसी वजह से हमने एम की वैल्यू जो है वो एम ऑफ टू हमने नेगेटिव ली है। और अगर हम केस ए में कंसीडर करें तो उधर एम ऑफ वन जो मास है बॉडी ए का वो ज़्यादा है टेंशन से, इसी वजह से बॉडी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेवल कर रही है। अब हम उस पर न्यूटन्स के सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं जो है एफ इज इक्वल टू एम ए। और अगर हम फोर्स की जगह पे एम ए की वैल्यू रखते हैं जैसे इधर, ठीक है, अब हमारी जो बॉडी ए की इक्वेशन है और जो हमारी बॉडी बी की इक्वेशन है, अगर हम दोनों को ही आपस में कंपेयर करते हैं इस तरह, और तो सिंपली हमारे पास एक रिलेशन हमें मिलता है, एक इक्वेशन हमें मिलती है जो है ए इज इक्वल टू एम इंटू एम वन इंटू एम टू इंटू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। अब हम एक्सेलरेशन तो मालूम कर चुके हैं, अब हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है टेंशन। तो अगर आप इक्वेशन 4.6 और इक्वेशन 4.9 अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ रिलेशन इस तरह मिलता है, इस तरह, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते जाते हैं, अगर हमारे जो ए है इधर ए की एक कैंसिलेशन होती है आपस में, ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो जो टी माइनस एम टू जी है वो इधर आकर मल्टीप्लाई करता है और एम टू उधर जाकर मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद हम इनको दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर हम एम वन एम टू जो है इधर माइनस कर रहा है उधर जाकर प्लस करेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, टू एम टू टू एम वन एम टू इंटू जी, ठीक है। और जो हमारे पास माइनस एम टू इंटू टी है और प्लस एम वन इंटू टी है, अगर माइनस इधर एम टू टी माइनस कर रहा है उस तरफ जाकर क्या करेगा, प्लस, ठीक है। टी दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास इधर बचता है एम टू और एम वन, ठीक है, एम टू और एम वन को हम इधर डिवाइड में लेकर आते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है टी इज इक्वल टू टू एम वन एम टू इंटू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। थैंक यू। आपको अभी भी हमसे कोई भी सवाल हो तो हमारे एक ईमेल एड्रेस गिवन है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं, एक हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट बिलो द वीडियो, और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं इससे बेहतर बना सकें।
एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.